रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे, फिट होंगे, जबरदस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत मजेदार वीडियो NFTs के रिलेटेड है कि NFTs क्या है और इनको हम लिस्ट किस तरह से कर सकते हैं, बना किस तरह से सकते हैं, मिंट किस तरह से करेंगे और बेचेंगे कैसे, प्रॉफिट किस तरह से कमाएंगे, इसके रिलेटेड आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। स्क्रीन पर ले जाके आपको पूरा तरीकेकार बताऊंगा। और सबसे मजे की चीज के NFTs होती क्या है, नॉन फंजिबल टोकन्स होते हैं। टोकन्स क्या होते हैं, मतलब ये आप किसी सेम इक्वल जो इक्वल चीज है उसके जरिए आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसको यार बहुत मज़े की चीज़ है, ये इतनी मज़े की है कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के जरिए सेल आउट करेंगे, ठीक है, और इसकी आपको लाइफ टाइम अर्निंग भी आएगी। मीन्स आप इसकी रॉयल्टीज सेट कर सकते हैं कि आप सेट करते हैं कि मुझे जी इसका 2% चाहिए। जब भी ये बिकेगा, आपने एक दफ़ा सेल कर दिया, आपने सेल किया $100 का, ठीक है, उसके बाद ये दोबारा $200 का बिकेगा, तो उसमें से भी जो आपको 2% है वो आपको उसका जो अर्निंग है 2% आपको आएगी। फिर जब बिकेगा उसकी फिर आपको अर्निंग आएगी। और जितने भी इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मार्केट प्लेसेस चल रही हैं, वहाँ पे लिस्ट करने के लिए इनकी गैस फीस होती है, यानी एक सर्विस फीस है जो वो प्लेटफॉर्म लेता है आपसे इसको मिंट करने के लिए, इसको लिस्ट करने के लिए, इसके सेल आउट करने का, वो सर्विसेज देने के लिए। और इथेरियम ब्लॉकचेन के जरिए चलते हुए वो आपसे गैस फीस लेते हैं। लेकिन एक तरीकेकार ऐसा भी है कि आप विदाउट गैस फीस पे किए यहाँ पे अपनी जो NFT है उसको आप मिंट कर सकते हैं, आप उसको लिस्ट कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, जैसे मेन OpenSea.io चल रही है, ठीक है, वो इसकी मार्केट प्लेस है, रेरेबल है, इस तरह और काफ़ी सारी हैं। लेकिन मैं आपको तरीकेकार OpenSea के ऊपर बताने वाला हूँ कि OpenSea जो वेबसाइट है OpenSea.io, उसके ऊपर आप अपनी NFT किस तरह से क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद आप उसको किस तरह से लिस्ट करेंगे, और विदाउट गैस भी आपको कोई पैसा पे नहीं करना, सिर्फ आपको अपना Coinbase का वॉलेट जो है या MetaMask का जो वॉलेट है उसको अटैच करना है। अटैच करने के बाद आपने इसको लिस्ट कर देना, और लिस्ट करने के बाद वेट करना है, जब बिक जाएगी, ठीक है, तो आपको पैसे आएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया, कोई मुश्किल नहीं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। और मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। और फिर अगर यार चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें, और इंशाल्लाह इसके NFT के रिलेटेड भी आपको और डाटा भी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा लाजमी इंशाल्लाह। तो पहले तो आपको ये दिखाएं कि लिस्ट किस तरह से करना है, मिंट किस तरह से करना है, चीज़ें क्या क्या लगती हैं। सिंपल सा क्राइटेरिया, आपकी कोई पिक्चर है, कोई आपका लोगो है, कुछ भी है, आप उसको उठा के NFT बना दो। चीज़ आपकी होनी चाहिए, किसी और की नहीं हो, ये खास ख्याल रखना है कि जो भी चीज़ आप लिस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप NFT बना रहे हैं, वो आपकी अपनी जाती होनी चाहिए। किसी और का कंटेंट नहीं डालना, आपका अपना कंटेंट, फोटो हो, वीडियो हो, क्रिएट उसका लोगो हो, कोई आपका आर्ट वर्क हो, कोई भी चीज़ हो, आपकी जाती होनी चाहिए, वो NFT बन सकती है, ठीक है। और वैल्यू बहुत महंगी भी हो सकती है यार, लोगों के मिलियंस में बिकी हैं चीज़ें, तो यहाँ आपकी कोई चीज़ को सैकड़ों डॉलर्स में तो बिकी सकती है ना। तो चलें ज़रा स्क्रीन पे आपको लिस्ट करने का तरीकाकार बताते हैं कि OpenSea.io के ऊपर आप इस मार्केट प्लेस के ऊपर अपने NFT मिंट किस तरह से करेंगे और लिस्ट किस तरह से करेंगे विदाउट गैस फीस। ज़रा चलें स्क्रीन पर चलते हैं जी। हम आ गए स्क्रीन के ऊपर और मैंने वेबसाइट खोल ली है OpenSea.io, ठीक है। तो इसके लिए आपको चाहिए क्या होता है, आपको कोई ना कोई वॉलेट चाहिए होता है, MetaMask का हो जाए या Coinbase का हो जाए, वॉलेट कनेक्ट का हो जाए, कोई भी हो जाए, जो वॉलेट हैं जो यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, मेरे पास Coinbase का जो वॉलेट है वो ऑलरेडी है, बना हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इसको Coinbase वॉलेट पे कनेक्ट कर दूंगा, और ये मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, जिस वजह से फ़ौरन जो है मेरी ID वो ओपन हो गई है। अब मेन चीज़ आपको सिखाने का तरीका क्या, किस चीज़ का तरीका सिखाना है, वो है कि हमने NFT क्रिएट किस तरह से करनी है और विदाउट गैस फी हमने उसको लिस्ट किस तरह से करना है। अब क्रिएट करने से पहले ही हमसे फिर वेरिफिकेशन मांगता है, सिग्नेचर रिक्वेस्ट, सो साइन, ठीक है, साइन इन कर दी हमने इसके अंदर Coinbase की, मैंने एक्सटेंशन की हुई है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, ये Coinbase वॉलेट की मेरी एक्सटेंशन यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो लगी हुई है। क्रिएट न्यू आइटम, अब यहाँ पे आप इमेज, वीडियो, ऑडियो और 3D मॉडल कोई भी चीज़ जो है वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या डालूँगा, मैं यहाँ पे एक पिक्चर डालने वाला हूँ, लोगो है मेरा, तो मैं उस लोगो को जो है यहाँ पे ऐड करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि इसको विदाउट गैस फी मैंने किस तरह से करना है। यहाँ पे हम नेम दे देते हैं, AWS लोगो कर देते हैं जनाब, ठीक है जी, AWS लोगो। यहाँ पे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख दें, इट्स अ लोगो फॉर योर कलेक्शन, ठीक है, यानी जो भी आपने लिखनी है, ठीक है, आगे कलेक्शन का नेम आपने लिखना है, और ये मुख्तलिफ चीज़ें, प्रॉपर्टीज़, इसका टेक्सचर ट्रेड्स दैट शो अप एज रेक्टेंगल एटसेट्रा एटसेट्रा, अनलॉकेबल कंटेंट, यहाँ पे आप दे सकते हैं इंक्लूड अनलॉकेबल कंटेंट दैट कैन ओनली बी रिवील्ड बाय द ओनर ऑफ द आइटम। अगर कोई ख़रीदेगा, कोई जो ओनर होगा
अगर वो ख़रीदेगा तो उसके ज़रिए उसी से सिर्फ रिवील वही कर सकता है, उसको हम भेज सकते हैं कोई भी चीज़, इसको अगर हम ओके कर देते हैं यहाँ पे, अगर हम कोई चीज़ फ़ाइल वगैरह कोई चीज़ भी ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, या कोई वीडियो शीडियो या जो हम कंटेंट क्रिएट करते वक्त जो हमारी वीडियो बनाई थी या कुछ भी था वो हम यहाँ पर सेंड कर सकते हैं उसको, ठीक है। सप्लाई द नंबर ऑफ कॉपीज़ दैट कैन बी मिंटेड, नो गैस कॉस्ट टू यू, क्वान्टिटीज़ अबाव वन कमिंग सून, ठीक है। ये बाद में भी आ रही है, अभी आई नहीं है, ठीक है। तो हमारी एक ही कॉपी यहाँ पर लग रही है, ब्लॉक चेन इथेरियम एंड पॉलीगॉन, अ फास्ट गैस फ्री ब्लॉक चेन एक्सपीरियंस दैट वर्क्स विद इथेरियम। अब मज़े की बात यह है कि आप यहाँ पे अगर इथेरियम करेंगे तो आपको गैस फीस पड़ेगी, लेकिन जो दूसरा तरीका कार है जिसमें आपको गैस फीस नहीं पे करनी पड़ेगी वो क्या है, आप इसको पॉलीगॉन पे करेंगे, ब्लॉकचेन पॉलीगॉन, ये चीज़ माइंड में रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप करके आप क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद ये आपके जो है अभी क्रिएट हो जाएगी जो NFT है, कह लें यार 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर, यानी कि आप NFT जो क्रिएट कर सकते हैं, कोई इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है और कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है। यू क्रिएटेड AYS लोगो, वुड यू जस्ट क्रिएटेड AYS लोगो, ठीक है। अब यहाँ से हम शेयर भी कर सकते हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, ये हमारा बन गया, ये हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई, ये मिंटेड मिंट भी हो गई है, ठीक है, मिंट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब करना है इसको सेल, ये हमने किया सेल के ऑप्शन पर क्लिक। अब यहाँ पर हमने इसको प्राइस देनी है इथेरियम की, तो हम इसको दे रहे हैं 0.1 कितने, $314 बन रहे हैं भाई। ड्यूरेशन हम कितनी लगा देते हैं, मंथ लगा दें, 1 डे 3 डे 1 वीक जितना भी, मैं इसके 3 डेज़ रख देता हूँ, ठीक है। 3 डेज़ रख के तो क्रिएटर रॉयल्टी 2.5%, ये मैंने खुद सेट की हुई है, सेटिंग में जाके सेट होती है, यहाँ से आप लोग ये सेटिंग में जाके सॉरी अपने प्रोफाइल में जाके तो वहाँ एडिट आप कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी मैं सेल करने के लिए 0.1 और इसको मैंने कर दिया 3 डेज़, ठीक है। और ये सर्विस फीस जो है 2.5% पड़ेगी जब ये सेल आउट हो जाएगी, ठीक है, उससे पहले नहीं। कंप्लीट लिस्टिंग, अब कंप्लीट लिस्टिंग पे ये हमें क्या कह रहा है, साइन मैसेज, अब ये साइन हमें करना पड़ेगा लाजमी। इधर से हमारे कॉइनबेस वॉलेट जो है उसने हमसे कहा कि आप हमें एक्सेस दें, ये जी एक्सेस दे दी, उसको साइन कर दिया, ठीक है, साइन इन हो गया। साइन इन होने के बाद अभी ये जो हमारी लिस्टिंग है ये सेल के लिए लग जाएगी, ये लिस्ट हो जाएगी। और बहुत सिंपल सा तरीका कार है कि आप विदाउट गैस फी, ये देखें यू लिस्टेड AYS लोगो, मैंने इसको लिस्ट कर दिया, ये मेरा लिस्ट हो गया, मुझे बाय नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा है, लेकिन किसी और को कोई भी जो यूज़ करेगा उसको ये बाय नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। 3 दिन के अंदर इसकी सेल के लिए लग चुकी है, ठीक है। अब जो भी मुझे ऑफर्स आएंगी, ठीक है, अभी तक तो कोई ऑफर नहीं आई, अभी तो अभी लगाई है ना आपके सामने, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बता देता हूँ कि आपको ये शेयर के ऑप्शन पर जाएँ लिंक, और ये हम खोल लेते हैं इग्निटो विंडो, यहाँ पे अगर कोई भी इसको सर्च करते हुए आएगा इस कैटेगरी के अंदर तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि मैं लॉगिन तो नहीं हूँ ना, तो ये मैंने आपको खोल के इसका दिखाया कि बाय नाउ के ऑप्शन पे ये प्राइस आ रही है, बाय नाउ आ रहा है, मेक ऑफ़र आ रही है, हम ऑफ़र भी यहाँ पे कर सकता है जो भी बंदा इसको देख रहा होगा। तो यानी कि ये मेरा जो NFT बन गया है और मार्केट में लिस्ट हो चुका है, ये इस कॉर्नर में आप देखें ब्लॉक चेन पॉलीगॉन आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम इथेरियम करते हैं तो इथेरियम आ रहा होता, लेकिन इथेरियम के लिए हमें गैस फीस पे करनी पड़ती, तो यहाँ भी हम परचेज़ तो जो भी लोग करेंगे वो इथेरियम के थ्रू ही करेंगे ना, ठीक है। इथेरियम ऑन पॉलीगॉन, ठीक है, इथेरियम कॉइन के ज़रिए पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर, ये चीज़ भी ख्याल रखना है कि पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन है उसके ऊपर ही आएगा, आपको इथेरियम उसके थ्रू मिलेगा तब आपको फ़ायदा होगा, और यहाँ पे भी तभी होगा। तो लोग यहाँ पे आपको ये बाय कर सकते हैं आपका, और आपने ये अपना कलेक्शन का नेम लिखा है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ डिटेल्स आपने अगर देनी है तो ये। अब मेरा टोकन स्टैंडर्ड जो है ये क्या आ रहा है, ERC 1115 आ रहा है, और ब्लॉकचेन पॉलीगॉन है, मेटा डाटा एडिटेबल है, ठीक है, टोकन ID ये आ गई है, करंट एड्रेस ये आ चुका है, इसका एड्रेस भी बन गया, हर चीज़ बन गई, और ये हमारी जो NFT है ये अप फॉर सेल है, अभी ये बिक सकती है, कोई भी इसको परचेज़ कर सकता है, और निहायत सिंपल तरीका है विदाउट गैस फी NFT को लिस्ट करने का। तो ठीक है जी, उम्मीद है बड़ा मज़ा आया होगा, या आप लोग भी अब अपनी NFTs जो हैं वो लिस्ट कर सकते हैं, सिंपल सा क्राइटेरिया। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।